एक गाना पूरा ऐसा लग रहा ना भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव पिखी पेंड। तो अब हम चलते हैं गांव और आपको सारे गांव दिखाते हैं, घुमाते हैं, और हमारा वहाँ पुराना घर भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलें, हम निकल रहे हैं अब अपने पेंड पिखी पेंड को। ये देखो कितनी अच्छी गलियाँ हैं अमृतसर की, छोटी छोटी गलियाँ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ आके। बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग था। रात को हम कब सो गए पता नहीं लगा, इतने ज़्यादा थक गए थे घूम फिर के, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। तो हमने खाना खाया और सीधा सो गए। हेलो कह दो। हेलो। ये मेरी है भाभी, हरमन भाभी, मेरे बुआ जी के लड़के की वाइफ। हाँ, हम जा रहे हैं घूमने पिखी पेंड। हर्षित हाय कर दे। क्या होता है? पंचर है हमारी गाड़ी में, होगी हवा कम, लग रहा है पंचर है, यहाँ टाइम लग सकता है और गर्मी भी लग रही है। बड़ा ही सूदिंग सा माहौल लग रहा है। लाइक आसपास फार्म्स हैं और सनी डे है, हम एसी में बैठे हैं। ऑफ कोर्स हमें लाइक गर्मी महसूस नहीं हो रही, बट बहुत ही सूदिंग लग रहा है यहाँ से। लग रहा है बड़ा रिफ्रेशिंग सा माहौल लग रहा है, ऐसा होमली टाइप लग रहा है कि भाई अपने पिंड आ गए वापस। जो भी आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये सब चावल हैं, राइस की खेती हो रखी है सब। चल रहा है अभी रंगारंग कार्यक्रम रामकथा। अभी रंगोली चलने वाली है हमारे यहाँ पीछे। रंगारंग कार्यक्रम बोलते हैं ना। अरे रंगोली आता नहीं था नाटक वो डीडी नेशनल पे? हाँ, रंगोली वहाँ गाने गाते थे लोग। चित्रहार आता था यार। रंगोली हाँ, जो भी आता था। तो वो कार्यक्रम अभी चलने वाला है, सबसे पहले डैड सुनाएंगे गाना। दिल के पास ये हमारा एग्जैक्ट घर कहाँ है पुराना, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा, हमारा एग्जैक्ट घर किधर है। डैड तनु भी आइडिया नहीं है कोई? आइडिया है बट एग्जैक्ट नहीं पता। आइडिया है अरे आप खीमेंट जाना किधर नु? पिंड जाना है जी। सो हम फाइनली एंटर कर गए अपनी गांव की रोड में पिखी पेंड। पंजाबी में बोलते हैं पेंड। गोलगप्पे की ठेली के बाहर खड़े हैं, हम गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। उनसे पूछ रहे हैं रास्ता कि हमारा गांव किधर है और हमारा घर किधर है, थोड़ा पता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पहुंच पाए राइट प्लेस। अभी तो हम भटक चुके हैं। जो ये कह रही है फोटो खींच दे मेरी। मैं बोल रही हूँ आप तो ब्लॉग बनाते जा रहे हो, आपने तो ब्लॉग डाल देना है और हमने फोटो डाल ली है, वो आप क्लिक करोगे तो डालेंगे हम। हाँ बट ब्लॉग थोड़ा भी होगा। हाँ ब्लॉग में तो आऊंगी, मगर दुनिया मरती है। फोटोज चाहिए हमें स्टेटस में डालने के लिए, फेसबुक पे डालने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ सेल्फी ले लो आप। हाँ ये तो मेरे डैडी नू दादे नू फैन जानता सारे उनके तो सुचा सिंह का मुंडा। मैं क्या सुचा सिंह का मुंडा हजारा सिंह का पुत्र तो सारा दस्या उन्होंने, समझाता एड्रेस कितने जाने है बड़ा अच्छा नहीं लग रहा तेरे को है?
बढ़िया फील आ रहा है, एकदम देसी फील आ रहा है। देसी फील, बड़े बड़े गेट हैं, खार छोटी छोटी गलियाँ मंजियाँ। सेकंड स्टैंडर्ड तक इस गांव में मैंने अपनी स्टडी पढ़ाई करी है। सेकंड तो बाद में सेकंड फिर मैं देर तुम चला गया। बच्ची को कहीं दिखाओ पुराना शहर दे, मैं कहता बिहार के आने हां। और उन्होंने लिया, सत्य ने लिया सी ना, सत्य ने उतना लिया। हम पहुंच गए अपने पिंड पिखी पिंड। तो ये जो दिख रहा है आपको जहां पर दीवार नहीं है, ये वाला हमारा पिंड, ये वाला घर है हमारा पुराना। यहां पहले बड़े बड़े गेट होते थे। कशिक अंकल कुत्ता भी रखा है मैंने। यहाँ पर हमारी शायद पुरानी पूरा सेम वैसे ही है जो यहाँ पर पुरानी गाय बांधते थे हैं, और दो कमरे होते थे पीछे। सन सत्तर च भाई साहब ने अपना एक पुश्तैनी घर दिता सी। अच्छा, इन्हें दिता सी सत्ते भाई ने। तो पंजाब में, पंजाब में लाइक आप जितनी भी टैंकी होती है ना ऐसे करके वॉल माउंटेड, देखो कोई एरोप्लेन की बनी है, कोई चिड़िया की बनी है। कौन सी काओ, कौन सी बफेलो, कौन सी है काओ, कितनी है? पुराने बुए जी, पुराना है बिल्कुल, एकदम एकदम ना, पूरा ऐसे लग रहा ना भाई, मतलब महाराजा स्टाइल जैसे होते थे। ये लगी ना केला, हां ओदे ना सोने रंगे कोके लगे होते। अच्छा अच्छा, बड़े बढ़िया, मतलब की जमे चंद्रमा इदा वगे होते। हां जी हां जी हां जी, आ दे वड़दा दे। हां जी हाँ जी, की चाहिए काओ? नहीं कुछ नहीं है काओ। नहीं तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली डॉग होंगे। मतलब यहाँ पर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, दूध रख लो, दूध काट लो, बताएंगे आपको कि एग्जैक्ट क्या है। हाँ जी हाँ जी, ना ये पड़ोली पुराने जी, मैंने पड़ोली है ना अपने। हाँ जी, ये आप मतलब दुध स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी, जो मलाई मलुई लैनी हो ना, जो पंजाबी कहने कड़िया दुध वो अपने तो मिल सकता है। आप दाल दूध बनानी हो, पुराने जमाने बनाते होंगे पहले, थले गोहे रख के उधर पड़ोली रख लेनी, दाल सही शामी शूम तक रिझती रहनी। अगर ऐसी डाइट खाओ जो दूध सीधा वहाँ से आ रहा है गाय से और यहाँ रख रहे हो, काट रहे हो, है मतलब एकदम प्योर, एकदम प्योर डाइट है ना, मतलब कोई कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, और एकदम हेल्दी शरीर। अब हमने चूल्हा देखा वहाँ पर, एकदम ऑर्गेनिक वे में चूल्हा, चूल्हे के ऊपर चिकन मटन सब बनाते हैं। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर चिकन इनका। यहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म भी है, जैसे कि अभी हम दिखा रहे हैं, यहाँ से एंट्री है। तो चाबी लेने गए, अभी खोल के अंदर जाते हैं। तो हम आ गए अंदर। पर डे एक मुर्गी एक अंडा देती है। तो अभी हमने दिखाई आपको मुर्गियां, बड़ा ही मजेदार एक्सपीरियंस है, मजा आ गया। सब लोग चाय पीते हैं। Oh, 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 oh
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ Do like, share and subscribe our channel. And please do keep watching our videos and comments में बताओ हम कैसे improve करें. Please share करें अपने आगे friends को भी, family को भी. हमें तो बहुत मज़ा आया अपने गाँव में आके. So please keep watching. ठीक है मैडम.